जनरल आपके अच्छा बॉयलर का मतलब क्या होता है? क्या आप लोगों ने इसके पहले कभी बॉयलर के बारे में कुछ सुना है? पानी बॉयल करते हैं, जिसमें बॉयल करते हैं वाटर, वाटर को बॉयल करते हैं। चलो ठीक है, बॉयल करने के बाद क्या होता है? स्टीम निकलती है, वेपर, एनर्जी मिलती है उससे, टरबाइन घुमाते हैं। आपने इसके पहले कभी बॉयलर देखा है? ट्रेन में देखा है, मूवी में। स्टीम इंजन, स्टीम इंजन के बाद वो है इलेक्ट्रिक वाला, ज्यादा गर्म होता है। किसके 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 घर में बॉयलर है? गीजर सर, बॉयलर पहले यूज करते सर, गैस है उस पे भगोना रख देते हैं पानी रख के बॉयलर। चाय बनाते हैं, रॉड वाला सर, कुकर, प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर पूरी तरीके से बॉयलर है। ठीक है, आप उसमें कोई भी चीज अगर पकाते हैं तो जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या होती है, वो सीटी ऊपर हो जाती है और जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है वो रिलीज हो जाता है, फिर से वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। ठीक, स्टार्ट करेंगे। ये आपका जो बॉयलर है, अभी मैंने टाइप बताया, वाटर ट्यूब बॉयलर और पाइप ट्यूब बॉयलर। तो ये जो मॉडल है आपका, ये वाटर ट्यूब बॉयलर। ठीक, अब वाटर ट्यूब बॉयलर को क्यों बोलते हैं? तो स्टार्ट करेंगे एक एक कॉम्पोनेंट, कॉम्पोनेंट का वर्किंग, देन आपका इस बॉयलर की। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्या है, स्टॉप वॉल्व। ठीक, तो कंपोनेंट में देखो नंबर वन सही पर पड़ा है, देखो ये नंबर वन पड़ा है, ये जो दिख रहा है लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वो जो नंबर वन जिस पे पड़ा हुआ है। अगर अभी आपको नहीं दिख रहा है कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर असेंबल्ड है, तो एक्सप्लेन करने के बाद इस पे एक ही कंपोनेंट लिखा हुआ है, उस कंपोनेंट की नंबरिंग भी इसमें दी गई है। ठीक, नंबर वन पे आपका स्टॉप वॉल्व लगा हुआ है। ठीक है, अब स्टॉप वॉल्व का काम क्या है, वॉल्व है तो उसको ओपन करोगे तो कोई चीज फ्लो करेगी और क्लोज कर दोगे तो वो बंद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेकेंड सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व नाम से साउंड हो रहा है कि सेफ्टी पर्पस के लिए जो वॉल्व हम यूज कर रहे हैं वो आपका सेफ्टी वॉल्व है। ठीक है, सेफ्टी वॉल्व कहाँ पर लगा होगा? ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे ट्रेलर की सीटी की तरह। थर्ड है मैन होल, उधर देखो मैन होल बना हुआ है, मेन होल नहीं है, मैन होल है, आदमी के जाने के लिए मैन होल, तो उसमें से कोई आदमी है उस होल से अंदर बाहर जाएगा। ठीक, लेट के जाना पड़ता है, सीधा जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। देखो बॉयलर बहुत छोटा सा मॉडल आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक, बॉयलर बेसिकली जितनी बड़ी आपकी ये लैब है इससे बड़े बड़े बॉयलर है, कैसे वो जब मैं वर्किंग बताऊंगा तो खुद से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्टीम गेज। जो स्टीम प्रेशर हम जनरेट करेंगे उसका लेवल बताने के लिए स्टीम गेज फोर नंबर, ये प्रेशर इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर एक कंपोनेंट लगा हुआ है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे हीट चेक वॉल्व लगा हुआ है जो कि आपका सिक्स नंबर पे है। फिर वाटर गेज, ये आपका वाटर लेवल इंडिकेट करने के लिए गेज लगा हुआ है यहाँ पर, वाटर लेवल आपको बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एयर रेगुलेटिंग डोर, एयर को पास करने के लिए डोर्स लगे होंगे, ये दिख रहे हैं ना, ये सब, ये सब, ये सारे जो है वो एयर रेगुलेटिंग डोर्स हैं। इसके बाद आते हैं हम फिर चेक वॉल्व। बेसिकली क्या होता है कि प्रॉपर सारी चीजें वर्किंग में है, सारे जो कंपोनेंट है वॉल्व वगैरह जो लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि जो मैनुअल मैंने दिया था उसमें से आपने 1% भी इसको हिलाया सर, हम लिखे ही नहीं, हमको पता ही नहीं चला। हाँ सर, हमें भी नहीं मिला।
आप लोग ग्रुप पे नहीं ऐड हो सर, इतना चैटिंग हो जाता है पता नहीं चलता क्या आया क्या नहीं आया। बहुत ही स्टिकर भेजते हैं सर, सर पता नहीं क्या क्या चैटिंग होता है। ऑफिशियल वाले नहीं भेजे, कितने सारे ग्रुप हो जाएंगे, खुद से कंफ्यूज हो जाओगे, फिर बोलोगे सर इसमें नहीं आया उसमें नहीं आया। आप सारे के सारे जिस एक ग्रुप में ऐड हो गए उसमें मैसेज सर्कुलेट हो जाए तो अच्छा है। ये रिलेटिव डोर के बाद है आपका नेक्स्ट फ्लो ऑफ कॉक एंड मड। यहाँ पर देखो ब्लैक कलर का कुछ दिख रहा नीचे वहाँ पर, वो आपका ये आपका फ्लो ऑफ कॉक एंड मड हो गया। ओके, फ्लो ऑफ कॉक एंड मड, उसका काम क्या होता है, मड होल मीन्स जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होगा उसको बाहर निकालने के लिए वो कंपोनेंट वहां पर लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 9 नंबर डैम्पर, बिल्कुल उधर देखो देखो वो अप एंड डाउन भी होगा, क्यों और कैसे वो अभी बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 10 नंबर में काउंटर वेट, ये आपका काउंटर वेट है। ठीक है, 11 नंबर पे चिमनी है वो देखो देखो ब्लैक कलर की, और 12 नंबर पे ये ट्रॉली है। तो ये पूरा मॉडल आपका बॉयलर का मॉडल है, और वो भी वाटर ट्यूब बॉयलर का मॉडल। अब इसमें कुछ चीजें और हैं, ये कुछ दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं बैफल्स। क्या बैफल्स? बैफल्स। ठीक, ये आपका सुपर हीटेड ट्यूब्स है जो ये ऊपर लगी हुई है। ओके, और ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक, ये आपका डाउन टेक हेडर है और ये अप टेक हेडर। ठीक, डाउन टेक हेडर, अप टेक हेडर, वाटर ट्यूब्स, बैफल्स एंड सुपर हीटेड। देखो इससे तेज आज नहीं बोल पाऊंगा, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं वर्किंग। आप लोग थोड़ा सा डिस्कशन जो है इधर क्लास डिस्कशन धीमे करो, स्टार्ट करते हैं हम वर्किंग। ठीक है, ये आपका एक तरीके से कंटेनर है। ओके, इसमें ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, यहाँ 20 से ये दो पार्ट में डिवाइड है। इसमें आप क्या करते हो, सबसे पहले वाटर इनटेक कराते हैं। ठीक, वाटर इनटेक कराएंगे तो नीचे वाले हिस्से पर आपका वाटर फिल हो गया। ठीक है, वाटर फिल होने के बाद फिर क्या होता है कि ये ट्रॉली है, ट्रॉली क्या करती है कोल को लाती है। ठीक, और यहाँ पर फर्नेस होती है, फर्नेस समझ रहे हैं ना, भट्टी होती है। ठीक, कोल को यहाँ फर्नेस पर लाते हैं और बर्न कराते हैं कोल को। तो जो इस टैंक इसमें जो है वाटर आपका जो है इनटेक कराया गया है, फिर वाटर जो है वो डाउन टेक हेडर से इन ट्यूब्स में फ्लो कराते हैं। ओके, डाउन टेक हेडर इसको बोलते हैं, देखो यहाँ नीचे आ रहा है ना ये, तो ये आपका डाउन टेक हेडर है, ये बंद है। ओके, डाउन टेक हेडर से वाटर यहाँ आया, उसके बाद इन ट्यूब्स में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर फर्नेस है, तो फर्नेस है, बर्निंग हो रही है, इसको बंद कर रहे हैं, जला रहे हैं ना। उसके बाद कोल को जब बंद करा रहे हैं तो कुछ यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ठीक है, यहाँ और इस पोजीशन, इन दोनों की पोजीशन में कुछ चेंज होगा टेम्परेचर में। ठीक, तो डाउन टेक हेडर से जो वाटर हम फ्लो करा रहे हैं अप टेक हेडर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो यहाँ का टेम्परेचर हमने बढ़ाया कोल को बंद करा करके, कोयला यहाँ पर जल रहा है जिससे कि ये एरिया आपका हीट हो रहा है, और एक टाइम बाद एक मैक्सिमम हीट के बाद वो वाटर क्या होगा, वेपोराइज होगा और कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में। स्टीम में कन्वर्ट कैसे होगा, स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद ये अपटेक हेडर से इसके ऊपर वाले हिस्से पर कलेक्ट हो जाएगी। ठीक, उस टाइम पे
आपका जो भी वाटर लेवल जितना कम हुआ होगा वो इंडिकेट करेगा आपका वाटर गेज, ठीक। स्टीम गेज कितना हमने स्टीम जनरेट कर लिया है वो स्टीम गेज इंडिकेट करेगा आपको, ठीक। फिर जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कुछ टाइम लगेगा, तो यहाँ तक पहुँचने में वाटर वो जो आपने वेपराइज किया वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया, यहाँ तक पहुँचने में अगर टेम्परेचर कुछ कम होता है तो क्या होगा, फिर से वो वाटर में कन्वर्ट हो सकता है ना, ठीक। तो जो अमाउंट देखो हमने पानी को गर्म किया, गर्म करने के बाद एक टाइम बाद वो भाप बन के ऊपर जाने लगता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने गैस पे एक बर्तन में पानी को रखा और ऊपर से प्लेट को ढक दिया, ठीक। पानी गर्म करेंगे आप तो जो वाटर आपका वेपराइज होता है तो आप देखते होंगे अगर आप ऊपर से वो प्लेट हटाते हो तो उसमें वाटर के ड्रॉप्स होते हैं, ठीक। और जो साइड से निकल गया वो स्टीम तो निकल गई, वापस से वो उसके ऊपर जो टच हो गया वो वापस से वेपराइज होना चाहिए, वो वाटर मॉलिक्यूल्स में फिर से चेंज हो जाता है, वाटर में चेंज हो गया। वैसे ही जब ये इसको यहाँ पर हीट कर रहे हैं इसका टेम्परेचर बढ़ा, ये वेपराइज हुआ और कन्वर्ट हो गया किसमें, स्टीम में, स्टीम में कन्वर्ट हुआ, तो इसके ऊपर वाले हिस्से पर वो जाकर के कलेक्ट हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगा उसमें कुछ टेम्परेचर अगर कम होता है तो वाटर फिर से स्टीम जो है वो फिर से कुछ अमाउंट जो है उसका वो वाटर में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसको दोबारा से फर्दर हीटिंग के लिए फिर हम क्या करते हैं उसको यहाँ से इंटेक कराते हैं इसमें, इस कंपोनेंट का क्या नाम बताया था मैंने, सुपर हीटेड ट्यूब, ठीक है। तो इन सुपर हीटेड ट्यूब्स में हम फ्लो कराते हैं, तो सुपर हीटेड ट्यूब में जो टेम्परेचर होगा वो यहाँ से कहीं ज्यादा होगा, तो आपने दोबारा से फ्लो कराया सुपर हीटेड ट्यूब में और वो तुरंत पूरा वो साइकिल कंप्लीट करके और उसको स्टीम में कन्वर्ट करके फिर से यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब इस प्रोसेस में जब आपका वाटर डाउन के फेडर टू अप के फेडर मूव कर रहा था तो ये जो बीच में बैफल्स लगी है ये क्या करते हैं कि ये एयर फ्लो के डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। एयर फ्लो के डायरेक्शन को कंट्रोल में रखेगा क्योंकि एयर फ्लो में जब होगा तभी कंटिन्यूसली वो जो प्रोसेस हो रहा है वो प्रॉपर हो पाएगा, ठीक। इसके बाद आप एक कंपोनेंट बताया था मैंने आपको जो एयर रेगुलेटिंग डोर्स लगे हैं, एयर रेगुलेटिंग डोर का हम इस वजह से यूज कर रहे हैं कि यहाँ पर फर्नेस है तो उसको जलने के लिए हमें एयर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद जब ये प्रोसेस हमारा ऐसे कंप्लीट हो रहा है तो अगर यहाँ फर्नेस है ये पूरा क्लोज होता है, अभी आपको ये इसका कट सेक्शन दिखाया है, क्लोज है तो कुछ स्मोक भी तो होगा, तो क्या होगा कि वो स्मोक जो है वो जैसे ही स्मोक का प्रेशर बढ़ा ज्यादा हो गया तो ये आपका जो काउंटर वेट है ये पुल हो जाएगा खींचेगा, और जब ये काउंटर वेट पुल हो रहा है तो वो कुछ हो रहा है, डोर ओपन हो रहा है, कौन वो वाला चिपचिपा वाला डैम्पर ओपन हो रहा है, और डैम्पर ओपन हो रहा है तो देखो वो वाला ब्लॉक खुल गया ना, वहां से स्मोक चिमनी के थ्रू बाहर हो जाएगा, ठीक। इसकी वर्किंग सिर्फ इतनी ही है, ओके। अब जो ये वॉल्व लगे हुए हैं स्टार्टिंग में जिसमें नंबर वन पड़ा हुआ है उधर वाला जो वॉल्व है जब आप ओपन करोगे तो क्या होगा वाटर का फ्लो होगा, और इधर वाले को क्या करोगे ये वाला जो वॉल्व लगा हुआ है ये आपके स्टीम का वॉल्व लगा हुआ है, जब उसको ओपन करोगे तो स्टीम जो है जो आपने कलेक्ट की है उसको जहां पर भी यूज करना है पाइप वगैरह ऐड करके और जिस भी जगह पे हमें पहुंचाना है पहुंचाएंगे, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हो पाइप को जोड़ दिया किसी चीज से आगे टर्बाइन वगैरह लगा दी तो उससे आप इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं, ठीक। तो जो फर्स्ट वॉल्व है उसको ओपन करोगे तो वाटर का फ्लो शुरू हो जाएगा डाउन के गेडर टू अप के गेडर, बैफल्स का काम करेंगी एयर फ्लो के डायरेक्शन को कंट्रोल करेंगी, और यहाँ पर फर्नेस होगी क्योंकि यहाँ के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी, ठीक है। इन ट्यूब्स में जो वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक, वाटर फ्लो हो रहा है ज्यादा, जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेगा
स्टीम में कन्वर्ट होता जाएगा, और जितना स्टीम में कन्वर्ट होगा गेजेस आप अपने अपने वर्क को कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं कि मान लो आप बॉयलर से बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग टर्बाइन वगैरह लगा करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं ना। ठीक, अगर हम इस बॉयलर को ही बिजली से चलाने लगे तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है क्या? नहीं ना। तो इसको यूटिलाइज करने के लिए हम यहाँ पर फर्नेस का यूज कर कोल को बंद करा रहे हैं पूरा प्रोसेस को कम्प्लीट करने के लिए। लेकिन जो हमारी यहाँ पर सुपर हीटेड ट्यूब्स लगी हुई है, ठीक, ये आपकी किससे चल रही है? इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। लाइक जैसे अभी तो ठंडी चल ही रही है, तो आप क्या करते होगे कि एक बाल्टी में रॉड डाल करके पानी को गर्म करते हैं, लाइक दैट। ठीक, तो यहाँ के कंपेयर में इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो फर्दर हीटिंग के लिए मतलब तुरंत जल्दी से हीट करके और फिर से उसको जो है स्टीम में कन्वर्ट करके इसमें कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं आपका कि कॉन्टिन्यू अगर हम इसमें वाटर फ्लो करा रहे हैं, ठीक, कॉन्टिन्यू वाटर फ्लो करा रहे हैं और गर्म कर रहे हैं उसको, तो आप देखते होंगे किसी भी चीज को आप पानी भगोने में रख करके आपने अगर चढ़ा रखा है, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि उसके बॉटम में कुछ डस्ट जो है वो कलेक्ट हो जाती है। तो एक टाइम अगर ये प्रोसेस कॉन्टिन्यू चलता रहेगा तो इसके अंदर भी तो कुछ डस्ट वॉलिकुल्स आ जाएंगे ना, उनको बाहर निकालने के लिए ये ब्लो कॉक एंड मड होल है, इसको ओपन करेंगे और पूरा का पूरा जो डस्ट पार्टिकल्स है वो यहाँ से बाहर। इसको ओपन करेंगे तो पानी तो आ जाएगा, बिल्कुल बाहर आ जाएगा, थोड़ी देर बाद तब पानी फ्लो नहीं कराएंगे ना, तब पानी रोक देंगे उस वक्त के लिए, पानी रोक देंगे जब साफ कर रहे हैं, उस समय पूरा का पूरा बॉयलर ही बंद हो जाएगा। मतलब काम करा करके फिर वॉशिंग मशीन में, किसी भी इंडस्ट्रीज में हम बॉयलर का यूज ज्यादातर इंडस्ट्रीज में ही करते हैं, तो किसी भी कंपनी में किसी भी फैक्ट्री में अगर ये बॉयलर आपका है तो सिंगल बॉयलर कभी किसी भी इंडस्ट्री में आप नहीं देखेंगे, बिकॉज ऑफ बॉयलर अगर कंटिन्यू वर्क कर रहा है तो एक दो महीने लगातार चलता है, ठीक, उसके बाद उसको बंद कर दिया जाता है, बंद करने के बाद भी उस बॉयलर का टेम्परेचर डाउन करने में लगभग 8 से 10 दिन लग जाते हैं। ठीक, 8 से 10 दिन उसका टेम्परेचर कम करने में लगेगा, और जब तक टेम्परेचर नहीं कम हो जाएगा तो वर्कर एंटर नहीं कर पाएंगे इसकी क्लीनिंग के लिए। ठीक, तो दो बॉयलर है, एक टाइम पे ये चल रहा था, इसको आपने बंद किया, दूसरा बॉयलर स्टार्ट कर दिया, मतलब काम नहीं बंद होगा, दूसरा बॉयलर अपना काम करना शुरू करेगा, फिर क्या होगा इसकी क्लीनिंग के लिए वहां का स्टाफ होगा, वो एंटर करेगा, मैनहोल से एंटर करेगा, यहाँ का क्लीनिंग करेगा पूरा अंदर। ठीक है, उसके बाद मैनहोल वगैरह ओपन करके यहाँ से आपका मड बाहर निकलेगा। ओके, और कुछ क्वेश्चन? हाँ, जो मान लीजिए प्रेशर है भाई, किसी ना किसी चीज का तो बना होगा नहीं, अगर हम स्टीम का प्रेशर बढ़ाते गए और प्रेशर ज्यादा हो गया तो ये क्या होगा, फट सकता है ना। तो सेफ्टी पर्पज के लिए हम सेफ्टी वॉल्व लगा करके रखे हैं कि जैसे ही एक्स्ट्रा प्रेशर हो गया, मतलब प्रेशर गेज हमें बता रहा है कि कितना प्रेशर है, जैसे ही ज्यादा प्रेशर हो जाएगा वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा और एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो रिलीज होता है, क्योंकि जब ये चल रहा होगा तो इसके आसपास कोई भी आ नहीं सकता। अगर वो एंटर किया तो उसकी हड्डी का चूरा भी नहीं बचेगा, इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है इसका, यहाँ टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज हो चुका होता है, कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं, इतना ज्यादा टेम्परेचर। हाँ नहीं, देखो करते क्या है, फर्नेस यहाँ पर है तो टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज हो रहा है इन ट्यूब्स का। ठीक, हाँ ये एयर जनरेटर लाना जरूरी है, एयर रोस्टिंग से भी तो कर सकते हैं, जैसे वो रोस्टिंग और कैल्कुलेशन।
ये बॉयलर का जो मॉडल अभी आपको दिख रहा है ये आज का नहीं है, बहुत पुराना मॉडल है। ठीक, अब तो बहुत सारे कंपोनेंट इसमें ऐड करके इसको मॉडिफाई कर दिया गया है, लेकिन सबसे पहले जो बॉयलर हमारा बना था उसमें जो जो कंपोनेंट और उसका जो प्रोसेस था वो यही था। ठीक है, अब इसके वर्किंग में किसी को कोई डाउट है? अब इसका जो हमने स्टीम जनरेट किया है, इस स्टीम का हमें जहां पर भी यूज करना है वो आप पाइप लगा करके जहां भी ले जाना चाहो वहां उसको यूज करने के लिए ले जा सकते हैं। ठीक है, अब मैनुअल में जितना भी कंपोनेंट है सारा कंपोनेंट एक बार स्टडी करेंगे आप, एक बार वर्किंग भी अपने से पढ़ लेंगे। ठीक, अब देखो वर्किंग प्रोसेस जो मैंने इसकी बताई है वो ओन वर्ड्स में कन्वर्ट करके लिखोगे, बहुत लेंथी लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत तीन चार पन्ने का है और पूरा छाप दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, ये अच्छा, चलो एक क्वेश्चन मैं घर में आप गीजर का यूज करते हो या इमल्शन रॉड का यूज करते हो? ठीक, उसमें भी हम क्या करते हैं? रोमियम बॉटल्स आती है मीटर के, उसमें भी कॉपर का यूज करते हैं। कॉपर का यूज इस वजह से भी करते हैं जल्दी से आपके वो टेम्परेचर को मेंटेन भी रखता है, हीट को बहुत जल्दी डिसिपेट करता है। कंप्रेसर अगर मेंटेन नहीं रख पाएगा तो जो आपने वेपराइज किया इसको वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से हमें पूरा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आपका वाटर ट्यूब बॉयलर है और वो फायर ट्यूब बॉयलर है, इन दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो वाटर ट्यूब बॉयलर की एफिशिएंसी कंपेयर टू दैट ज्यादा होता है। ठीक है, उसके कंपेयर वो जो बॉयलर है वो बेसिकली हम ट्रेन के इंजन में उस बॉयलर का यूज करते हैं। ठीक, अब वो कहीं पर भी यूज नहीं होता नॉर्मली, हिल स्टेशन में अभी भी वो इंजन चलते हैं लेकिन बहुत मार्के उसी में कोल को डालते थे। अच्छा, दोनों में ये बताइए, अभी मैंने जो पूरा प्रोसेस बताया तो ये वाटर ट्यूब बॉयलर क्यों है? ट्यूब में बॉयल कर पानी का यूज कर रहे हैं और कुछ ट्यूब लगा है उसमें वाटर को बॉयल कर रहे हैं इसीलिए बिकॉज ऑफ हम वाटर इसमें जो है वो ट्यूब के अंदर फ्लो कर रहा है इसलिए ये वाटर ट्यूब बॉयलर है। और वो फायर ट्यूब बॉयलर क्यों है? क्योंकि उसमें जो फायरिंग होगी वो ट्यूब के अंदर होगी, यहाँ पर हम इसको एक्सटर्नली ही दे रहे हैं, वहां पर जो ट्यूब होगी उसी के अंदर हम फायरिंग करेंगे और वाटर भी उसी में हम फ्लो करेंगे। पता नहीं मुझे, पढ़ लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर चाहोगे कि एक एक पॉइंट मैं बता दू, नो डाउट मैं बता सकता हूँ, लेकिन फिर खोल के कोई भी पढ़ेगा पढ़ लू फिर भी नहीं समझ में आता तो मैं हूँ यहाँ, मैं कहीं छोड़ करके नहीं जा रहा हूँ। एक दो चीजें छोड़ देनी चाहिए, सब कुछ बता देंगे तो क्या करोगे पढ़ेगा यानी बन जाएंगे सब सब कुछ। जो आपका ये उत्साह एंटी किसी है ऐसा कोई लड़की बोलती थी, ये प्लांट है वहाँ पर दो चार साल पहले जो है वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ होगा कि सेफ्टी पर्पज के लिए हम इसमें बॉल्व यूज कर रहे हैं। ठीक है, उन बॉल्व में कोई प्रॉब्लम आ गई होगी तो प्रेशर होगा वो रिलीज नहीं हो पाया होगा, फट गया। ठीक, लेकिन कंट्रोल करता है ना वाटर का, कुछ ऐसा ही रहा होगा, क्लीनिंग वगैरह नहीं हो गई। देखो होता क्या है, अब बॉयलर हम कंटिन्यू यूज करें, कोई भी चीज हो चाहे जितना अच्छा मटेरियल ले लो, एक टाइम बाद दूसरी चीज में कुछ तो कमी आएगी ही आएगी, उस
प्लांट के अंदर तीन वॉयल एक नहीं है नया वो फटने के बाद तो वो जो बॉयलर्स रहे होंगे वो काफी पुराने हो गए होंगे कि कंटिन्यू अब अगर आप प्रोसेस करते जा रहे हो तो कुछ इसमें भी आएगा जैसे घर ही बनाते हैं आज हमने बना के कंप्लीट किया तो उसका जो मजबूती है वो 10 साल बाद क्या वैसी रह जाएगी वैसे ही जो ये ट्यूब्स आप यूज कर रहे हो उस टाइम बाद भी कुछ ना कुछ तो उसमें फर्क आ जाएगा ठीक और मे भी पॉसिबल कि हो सकता है वो जो वॉल्स हम यूज कर रहे हैं एक्स्ट्रा प्रेशर रिलीज करना हो वो ना रिलीज हो पाया हो तो ये सारे रीजंस होते हैं कि बॉयलर इस वजह से फट भी सकता है। अब जैसे आप मान लीजिए अभी आपने एग्जांपल दिया था आप सबके घर में तो प्रेशर कुकर है ना वहां पर सीटी निकाल दो और उसका जो होल है उसको ब्लॉक कर दो फट जाता है उसको अगर आप ऊपर से ब्लॉक कर दीजिए तो वहां से प्रेशर तो रिलीज नहीं हो पाएगा एक्स्ट्रा क्वालिटी तो चाहे जितना अच्छा क्वालिटी का मटेरियल यूज करिए आप वो फट ही जाए ठीक आ जाओ आप लोग।